हेलो गाइस, कोडिंग विद मन कीरत में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में टेबल टैग्स को देखेंगे। टेबल टैग का यूज हम वेबसाइट में डाटे को टेबलर फॉर्म में डिस्प्ले करवाने के लिए करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी वेबसाइट में डाटा है वो एक टेबल में डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम टेबल टैग्स का यूज करेंगे। टेबल टैग्स जैसे कोई इंक्वायरी फॉर्म हो गया, अगर हम कोई इंक्वायरी डाटा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम टेबल टैग का यूज करेंगे। अगर हम कोई स्टूडेंट का रिजल्ट हो गया, स्टूडेंट का कोई बायोडाटा हो गया, उसको अगर हम अपनी वेबसाइट में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम टेबल्स का यूज करेंगे। तो चलो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि कैसे हम टेबल टैग्स का यूज कर सकते हैं और कौन कौन से टेबल टैग्स होते हैं। तो गाइस, मैं अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गया हूं। चलो अब हम यहां पर एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमको टेबल टैग का यूज करना पड़ेगा, तो चलो करते हैं। मैं यहां पर टेबल टैग लगा देता हूं, टेबल, और यहां पर इसको मैंने क्लोज कर दिया। ये देखो जी, हमारा क्लोज हो गया। अब टेबल टैग तो लगा दिया, अब हमको टेबल के अंदर रो और कॉलम से बनाने पड़ेंगे। अगर हम टेबल के अंदर रो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको टी आर टैग का यूज करना पड़ेगा। टी आर मतलब टेबल रो। तो चलो हम यहां पर रो बना देते हैं टेबल की। ये एक रो हो गई, और अब मैं रो के अंदर कॉलम बनाना चाहता हूं। मैंने एक कॉलम बना दिया टी डी नाम का। टी डी मतलब टेबल डाटा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं सबसे फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना चाहता हूँ, सबसे फर्स्ट कॉलम में मैं सीरीज नंबर लिखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सीरीज नंबर। हम कुछ प्रोडक्ट्स का टेबल बनाते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले सीरीज नंबर बना दी। अब हम यहाँ पर एक और कॉलम बना लेते हैं, और इस कॉलम में हम उस आइटम का नेम बता देते हैं, आइटम नेम, ठीक है। और एक और कॉलम में हम उसका प्राइस भी बता देंगे। तो यहाँ पर हम प्राइस बता देते हैं, प्राइस। तो ये हमने तीन कॉलम ले ले और एक रो ले ली। अब हम नेक्स्ट रो में उस आइटम का सीरीज नंबर देंगे, उस आइटम का नेम देंगे और उसका प्राइस भी देंगे। तो चलो कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, ये देखो, ये तो हमारी एक रो थी यहाँ तक, ये हमारी एक रो हो गई। अब हम यहाँ पर एक और रो बना लेते हैं, टी आर लगाया, और ये अब सेकंड रो हो गई। सेकंड रो यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज हो गई। अब हम सेकंड रो के अंदर कॉलम्स लगाएंगे, तो वो भी हम कैसे करेंगे, टी डी, और ये हमारा ऑटोमेटिकली एक कॉलम ओपन और क्लोज हो गया। अब हम इस कॉलम पर सीरीज नंबर बता देंगे 1, ठीक है। और हम यहाँ पर नेक्स्ट टी डी लगाते हैं, और नेक्स्ट कॉलम में हम आइटम का नेम बता देंगे। मैं बता देता हूँ मोबाइल, और इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में उस आइटम का प्राइस भी बता देंगे। मैं बता देता हूँ प्राइस, यहाँ पर पहले कॉलम बना लिया, अब मैं यहाँ पर बताता हूँ 20,000, ठीक है। और मैंने इसको सेव किया। सबसे पहले हम इसको एक बार ब्राउज़र में देखते हैं कि हमको ये कैसे दिख रहा है। तो मैं ब्राउज़र में गया, और ये देखो, सीरीज नंबर, आइटम नेम, प्राइस, ये हमारी फर्स्ट रो थी, और ये हमारी जो नीचे 1 मोबाइल 20,000, ये हमारी सेकंड रो है। तो इसको हम देखने के लिए हम इसको एक बार बॉर्डर लगाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर कहाँ पर लगाएंगे हम, ये हमारा जो कॉलम है, हम यहाँ पर बॉर्डर लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ स्टाइल, और इसके बाद मैं यहाँ पर CSS की प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ बॉर्डर। CSS की प्रॉपर्टी का यूज हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमने अभी CSS में वर्क नहीं किया। जब हम CSS में वर्क करेंगे तब हम CSS को डायरेक्ट यूज करेंगे। बॉर्डर कैसे यूज करना है, बॉर्डर क्या होता है, ये हम तब देखेंगे जब हम CSS में काम करेंगे। फिलहाल अगर आपको CSS नहीं आती तो डोंट वेरी, जितना मैं कर रहा हूँ आप देख के उतना करें। जब हम CSS में काम करेंगे तो आपको ये सभी चीज़ें डिटेल में समझ आ जाएंगी। तो अब मैंने फिलहाल यहाँ पर बॉर्डर लगा दिया 2 पिक्सल, और टाइप मैंने बता दिया सॉलिड, और कलर मैंने बता दिया ब्लैक। ये मैंने कलर भी लगा दिया, और अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इस स्टाइल को हर कॉलम में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया, यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया, इसके बाद मैंने यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया, और मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ। अब मैंने इसको सेव किया। चलो अब देखते हैं, ये देखो, ये हमारा टेबल आ गया। टेबल के अंदर ये देखो, ये हमारा टेबल बना आ गया। अब हम इसमें जो स्पेस आ रही है, अगर हम इसको खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। चलो हम अब उस प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो वो प्रॉपर्टी लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये देखो, अगर हम एक ही जगह पर एक ही लाइन में चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब आपको दिखाता हूँ कैसे। मैंने यहाँ ब्लैक के बाद सेमीकोलन ही लगाया, तो मैं अगर यहाँ पर लगाऊंगा, फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगा, फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगा, इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अल्ट क्लिक किया, अल्ट क्लिक करने के बाद मैं एक यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। और अब क्या करना है आपको, अब आपको सिंपल कंट्रोल अल्ट और डाउन एरो को क्लिक करना है, एक दो,
अब आ गए, अब क्या करना है आपको यहां पर सेमी कोलन लगा देना है, ये देखो ऐसे करके। और अब मैं यहां पर एक प्रॉपर्टी का यूज करता हूं जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर स्पेसिंग। तो वो कैसे करेंगे, मैं टेबल के अंदर लगाऊंगा स्टाइल और यहां पर मैं बोल दूंगा बॉर्डर स्पेसिंग। बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी लगाई और इसको मैंने बोल दिया जीरो। तो ये क्या था कि बॉर्डर में स्पेस आ रही थी, तो अब मैंने जब बॉर्डर स्पेसिंग जीरो कर दिया, अब बॉर्डर में कोई भी स्पेस नहीं आएगी। चलो देखते हैं, ये देखो अब जहां पर जो बॉर्डर है, ये देखो जो टेबल के बॉर्डर है, यहां पर कोई स्पेस नहीं आ रही। ऐसे करके हम बॉर्डर की स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं, अगर हमको बॉर्डर में स्पेस देनी है या कम देनी है या बिल्कुल खत्म करनी है। तो अब हमको क्या करना है, अब मैं यहाँ पर विड्थ और हाइट भी दे देता हूँ बॉर्डर की। तो वो कैसे करेंगे, टेबल के अंदर टेबल के खुद के एट्रीब्यूट्स होते हैं हाइट और विड्थ, जिसके जरिए हम टेबल के हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ हाइट, हाइट मैंने यहाँ पर लगा दी फिलहाल 300 पिक्सल, और यहाँ पर मैं विड्थ भी लगा देता हूँ। विड्थ एट्रीब्यूट का यूज किया, विड्थ मैंने लगा दी 70%, सेव किया। चलो अब देखते हैं, तो ये देखो ये हमारी हाइट और विड्थ सेट हो गई। ऐसे करके हम टेबल की हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं। तो मैं एक बार टेबल की रो को ज्यादा कर देता हूँ, ये सिर्फ एक है। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल इस TR को सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर, जो हमारा TR यहाँ से ओपन हो रहा है और जहां पर हमारी रो खत्म हो रही है। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। अब मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूंगा, मैं शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो, ये देखो ये हमारा एक आ गया। अब मैं एक और करना चाहता हूँ, अब मैं एक और डाउन एरो को क्लिक कर दूंगा। तो ये मैंने डाउन एरो को क्लिक किया, तो ये हमारा एक और रो आ गया। मैंने एक बार और पेस्ट कर दिया, एक बार और पेस्ट कर दिया, अब मैंने इसको सेव किया। चलो अब देखते हैं, ये देखो इतने सारे हमारे पास आइटम्स आ गया। तो अब हम इसको एक बार नेम चेंज कर देते हैं। तो मैं कैसे नेम चेंज करूंगा, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, ये मैंने यहाँ पर बोल दिया ये हमारी फर्स्ट थी, अब ये हमारी सेकंड रो। मोबाइल की जगह मैंने कर दिया लैपटॉप, लैपटॉप डेल, ठीक है। और यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर मैंने बोल दिया HP लैपटॉप HP, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ 3, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 4 सीरीज नंबर। फोर्थ आइटम मैं क्या लगाऊँ, फोर्थ आइटम मैं लगा देता हूँ यहाँ पर ट्राईपोर्ट, हाँ 2000 कर देता हूँ। और ये जो हमारा है, यहाँ पर मैं फिफ्थ आइटम पर लगा देता हूँ ट्राईपोर्ट के बाद आईफोन, कितने का करें, 70,000 का कर देते हैं ऐसे ही। अब मैंने इसको सेव किया, चलो अब देखते हैं। तो ये हमारा टेबल सेट हो गया है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा सीरीज नंबर है, आइटम नेम है, प्राइस है, ये बोल्ड में आ जाएं। तो इसको बोल्ड में करने के लिए हमारे पास टेबल में एक और टैग होता है जिसको हम बोलते हैं टेबल हैडर। टेबल हैडर को लगाने के लिए हम TH टैग का यूज करते हैं। तो चलो वो भी करते हैं, हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा TD टैग था ना कॉलम के लिए, तो कॉलम का एक और टैग होता है TH, जिससे क्या होगा कि जो हमारा कॉलम होगा उसमें जो टेक्स्ट होगा वो हमारा बोल्ड हो जाएगा। तो वो कैसे करूँगा, मैं क्या करता हूँ, मैं अल्ट क्लिक किया, अल्ट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर भी क्लिक कर दिया, जहाँ जहाँ पर मैं TH लगाना चाहता हूँ वहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया, और मैंने यहाँ पर भी क्लिक कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक ही बार में इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको बैक करूंगा। ये देखो ये हमारा कट हो गया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं TD की जगह अब मैं TH कर देता हूं एक ही बार में। ऐसे करके हम मल्टीपल चेंजेस भी कर सकते हैं, सिंपल हमको अल्ट क्लिक करना है, उसके बाद हम जहां जहां पर क्लिक करेंगे वहां वहां पर हम चेंजेस कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको सेव किया, चलो अब देखते हैं। तो ये देखो ये हमारा सीरीज नेम, आइटम नेम, प्राइस, ये हमारा बोल्ड हो गया है। अब देखते हैं कि ये देखो हमको ये टेक्स्ट लेफ्ट में दिख रहा है, हम इसको सेंटर में लेकर आना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, हम यहाँ पर जाते हैं टेबल में, यहाँ पर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया है, यहाँ पर हम एक और प्रॉपर्टी लगा देते हैं CSS की, जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन को हम सेंटर करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेंटर। ये सभी प्रॉपर्टीज को हम तब देखेंगे जब हम CSS में काम करेंगे। ये सिंपल आपको समझाने के लिए है कि कैसे हम टेबल को बना सकते हैं। तो सेव किया मैंने, अब देखते हैं। ये देखो अब सभी टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ चुका है। यहाँ पर मोबाइल का प्राइस सेम है, इसको मैं 25,000 कर देता हूँ।
मोबाइल के साइज प्राइस को, मोबाइल का प्राइस मैंने कर दिया 25,000। अब मैं यहाँ पर ट्राईपोड का भी प्राइस चेंज कर देता हूँ, ट्राईपोड को मैं कर देता हूँ, काम गया ट्राईपोड, ट्राईपोड 1200 सेव किया। अब देखो अब हमारे पास क्या शो हो रहा है कि मोबाइल का साइज 25,000, लैपटॉप डेल और लैपटॉप एचपी का जो साइज है वो सेम है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जो ये दो रोज हैं ये एक बन जाए, बिल्कुल इनका जो प्राइस है वो सेम है। जी सिंपल आपको समझाने के लिए है कि कैसे हम दो रो को एक बना सकते हैं एक एट्रीब्यूट के जूज से, चलो वो करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर सबसे पहले जो हमारा लैपटॉप सेकंड नंबर पर है लैपटॉप एचपी, मैं इसका जो कॉलम है इसको मैं खत्म कर देता हूं। मैंने लैपटॉप एचपी का कॉलम खत्म कर दिया, अब लैपटॉप एचपी में सिर्फ दो कॉलम है, मैंने सेव किया। अब आपको मैं दिखाता हूं, तो ये देखो ये अब हमारा कॉलम खाली हो गया है। तो अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जो लैपटॉप डेल है जे वाला और इसका जो जे वाला कॉलम है थर्ड कॉलम, ये दो रो में आ जाए। ये अब एक रो में आ रहा है ना, ये देखो एक रो में आ रहा है, तो अब ये दो रो में कैसे आएगा, इसके लिए हमको एक एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा, चलो वो भी कर लेते हैं। तो हम कहां पर लगाएंगे एट्रीब्यूट, हम लगाएंगे लैपटॉप डेल में, बिकॉज हम सेकंड और थर्ड रो को एक करना चाहते हैं, तो हम लैपटॉप डेल में ही प्रॉपर्टी लगाएंगे। लैपटॉप डेल में कहां पर हमने चेंजेस करने हैं, प्राइस में, प्राइस में, बिकॉज हम यहाँ पर प्राइस में है, प्राइस के जो दो रोज है उनको एक बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे रो स्पैन, रो स्पैन से जो दो रो हैं वो एक हो जाएंगे। हम दो तीन चार जितनी रो को स्पैन लगाना चाहते हैं उतनी रो को हम कर सकते हैं। अब मैं सिंपल यहाँ पर दो रो को स्पैन करना चाहता हूँ, तो मैंने सेव किया, आप देखते हैं। अब ये देखो अब क्या हुआ कि जो दो रो थी वो एक रो में आ गई, इसका मतलब लैपटॉप डेल और लैपटॉप एचपी का जो प्राइस है वो 20,000 है, बहुत कम है पर चलो काम चल जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक बार ट्राईपोड का जो कॉलम है थर्ड इसको भी खत्म कर देता हूं और इसको भी मैं खत्म कर देता हूं, ठीक है, दो कॉलम और को खत्म कर दिया। अब देखते हैं, ये देखो अब ये दो कॉलम और खत्म हो गए हैं। अब हम सिंपल यहां पर ऊपर जाएंगे जिस पर हमने रो स्पैन लगाया था, रो स्पैन हमने दो लगाया था ना, अब हम यहां पर क्या कर देंगे 4, सेव किया। अब देखते हैं, तो ये देखो तो ऐसे करके हम रो स्पैन को लगा सकते हैं। ये तो था रो स्पैन, अगर हमको कॉलम को स्पैन करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो मैं आपको कॉलम को स्पैन करना सिखाता हूं, मैं फिलहाल इसको 2 कर देता हूं, एक मिनट, सेव किया, अब पहले जैसे हो गया। तो चलो अब हम कॉलम को स्पैन करते हैं, तो कॉलम को स्पैन करने के लिए मैं ऊपर जाता हूं, यहां पर मैं एक और रो बनाता हूं, TR लगाया और ये हमारी एक और रो आ गई, यहां पर मैंने TH लगा दिया, ठीक है, सिर्फ एक कॉलम लगाया और एक कॉलम में मैंने लिख दिया प्रोडक्ट्स प्राइस, ठीक है, और इसको मैं यहां पर R कर देता हूं, सेव किया। तो चलो एक बार देखते हैं कि हमको कैसे दिख रहा है, ये हमको सिंपल यहां पर ऐसे दिख रहा है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर ये वाला जो स्टाइल है इसको कॉपी करता हूं और अब मैं इस पर पेस्ट कर देता हूं, अब यहां पर भी बॉर्डर आ जाएगा, सेव किया, बॉर्डर आ गया। अब यहां पर मैं रो स्पैन की जगह कॉल स्पैन लगाऊंगा, कॉल स्पैन लगाया, कॉल स्पैन कितने लगाएं, 3 लगाएं, मैंने यहां पर लगा दिया 3, बिकॉज यहां पर 3 कॉलम है, 1 2 3, मैंने 3 लगा दिया। अब मैं यहां पर इसको सेव करता हूं, चलो देखते हैं। ये देखो ऐसे करके हम कॉलम को भी स्पैन लगा सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास 3 और टैग्स होते हैं, टेबल हेड, टेबल बॉडी, टेबल फुट। ये टैग्स ब्राउजर को बताते हैं कि कहां पर टेबल का हेडर है, कहां पर टेबल की बॉडी है और कहां पर टेबल का फुटर है। इन टैग से जो हमारा टेबल का डिजाइन है वहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हम लगाएंगे या ना लगाएंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हमारी वेबसाइट सर्च इंजन पर जाती है तो वहां पर सर्च इंजन को पता नहीं चलता, तो सर्च इंजन को बताने के लिए कि टेबल में कौन सा पार्ट हेडर का है, कौन सा पार्ट बॉडी का है और कौन से पार्ट में टेबल का फुटर है, तो वो इसलिए हम टेबल हेड, टेबल फुटर और टेबल बॉडी टैग का यूज करते हैं। चलो लगाते हैं हम, मैं क्या करता हूं, अब ये हमारा टेबल हेड कौन सा है, ये देखो यहां से लेकर ये दो ऊपर 2 रोज हैं, ये हमारा टेबल हेड है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर लगा देता हूं, यहां पर रो से पहले टी हेड, ठीक है। तो अब ये हमारा क्लोज यहां पर हो रहा है, इसको मैंने कट किया, इसको मैंने क्लोज कहां करना है, यहां पर नीचे, इसको मैंने यहां पर क्लोज कर दिया, सेव किया। अब देखते हैं, ये देखो अब यहां पर हमारे टेबल में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर मैं यहां पर बॉडी भी लगा दूं, अगर मैं बॉडी लगा दूं यहां पर या यहां से, अब यहां से टेबल हेड से हमारी बॉडी स्टार्ट होती है, तो मैं बॉडी भी लगा देता हूं, टी बॉडी,
टी बॉडी मतलब टेबल की बॉडी। इसको मैंने कट किया, इसको मैं नीचे सबसे नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ये सभी हमारा यहाँ पर रो एंड वाली में ये सभी हमारी बॉडी थी, ठीक है, सेव किया। तो अब हम यहाँ पर फूटर किसको लगाएं, फूटर लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम टोटल प्राइस का फूटर लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ सबसे पहले टी फूड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं टी डी नाम का टी एच लगाता हूँ, टी एच मतलब टेबल हेडर लगाता हूँ यहाँ पर मैं एक, और यहाँ पर मैं टेबल हेडर के अंदर टोटल बता देता हूँ टोटल, ठीक है। सेव किया और इस स्टाइल को मैंने कट किया, जहाँ से कॉपी किया, सॉरी कॉपी करके इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया कि ताकि यहाँ पर भी बॉर्डर आ जाए। सेव किया, चलो देखते हैं ये बॉर्डर आ गया। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, वन और टू को मैं स्पैन करना चाहता हूँ, ये दोनों एक ही कॉलम में आ जाएं। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मैं कॉल स्पैन का यूज़ करूँगा। कॉल स्पैन मैंने लगाया, कॉल स्पैन कितना लगाना मैंने यहाँ पर टू। सेव किया, ये देखो ये हमारा कॉल स्पैन हो गया। अब मैं यहाँ पर एक और कॉलम लगा देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक और कॉलम लगा दिया। यहाँ पर मैं प्राइस बताऊँगा, प्राइस कितना है 116200, इतना प्राइस बनता है। तो सेव किया मैंने, तो ये यहाँ पर क्यों आ रहा है, यहाँ पर क्यों आ रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर, देख लेते हैं। ओहो ये टी फूड हमारे यहाँ पर क्लोज हो रहा है, इसको मैंने कट किया, इसको मैंने नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सेव किया, चलो अब देखते हैं, ये देखो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर भी हमको बॉर्डर लगाना पड़ेगा, तो मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। सेव किया, अब सही है। ये तो बिल्कुल सिंपल टेबल था, जब हम CSS में काम करेंगे तो हम बहुत सारे खूबसूरत टेबल बनाएंगे। ये तो सिंपल आपको बताना था कि कैसे हम टेबल टैग्स का यूज करके टेबल को बना सकते हैं। टेबल को डिजाइन हम तब करेंगे जब हम CSS में काम करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम किसी भी वेबसाइट में टेबलर फॉर्म में डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।